जिंदाल साहब, देवा को इस मीटिंग में बुलाने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है और हम उसे अपने बराबर बिठाकर इज्जत दे रहे हैं। जिंदाल साहब, मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। देवा हमारी दुनिया का एक नया बीज है जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे हैं। जवान है, जोशीला है और सबसे खास बात यह है कि वो बहुत जल्द तरक्की करना चाहता है। मेरा तजुर्बा है ऐसे तेज आदमी को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिरी हमारी जमात की बात है और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं? जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायर है। ये तो आपका भड़कपन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। ये वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। कैसी हो माँ? बहुत अच्छी हूँ बेटे। अभी तक उस हॉस्पिटल में होती तो ऊपर पहुंच गई होती। यहाँ तो नई जिंदगी मिल गई मुझे।
ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि तू है कौन, हमें तकलीफों दुखों से उभारने के लिए कहाँ से आ गया तू? इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता बेटे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया बेटे, मेरा इलाज करवा रहे हो, मेरी बेटी को नौकरी दी, वैसे वो काम कैसे कर रही है? अरे जया, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए आप, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, कुछ ही दिनों में उसने पूरा ऑफिस संभाल लिया, सभी चाहते हैं उसे। बेटी वो अकल की थोड़ी कच्ची है, कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, बिन बाप की पली है ना, इसलिए जरा मुफट है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर की बातों को अच्छी तरह से मानिए और कोई चटपटी चीज मत खाइए। मैं आपको देखने आता रहूंगा। अच्छा बेटी।